हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। गाइस, मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस, आप सब जानते हैं आज के ज़माने में कंपटीशन का ज़माना है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास जो चीज़ हो वो सबसे अच्छी हो। ऐसे में अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए जो एकदम यूनिक हो तो फिर बात ही क्या। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ज़ियोमी ने अपनी रेडमी नोट 7 को अब स्पेस में लॉन्च कर दिया है। इसकी जानकारी कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वैंग सियांग ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। इस ट्वीट के साथ एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें स्मार्टफोन को स्पेस में भेजने से लेकर वापस आने तक के क्लिक को देखा जा सकता है। साथ ही इस स्मार्टफोन ने स्पेस में कई फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं। वीडियो की माने तो नोट 7 ने 31,000 मीटर ऑल्टीट्यूड पर तस्वीरें क्लिक की हैं। इतना ही नहीं, हैंडसेट को उतनी ऊपर भेजने के बाद भी किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं आई। आपको बता दें, जिस Redmi Note 7 को स्पेस पर भेजा गया था वह चीनी वेरिएंट है जो 48 मेगापिक्सल रियर कैमरे वाला है, जबकि भारत में नोट 7 की जगह नोट 7 प्रो 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है। स्पेस में ली गई तस्वीरों में फ़ोन के नाम के साथ 48 मेगापिक्सल के वाटरमार्क को भी देखा जा सकता है। Redmi Note 7 में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और इसमें वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फ़ोन में पावर के लिए 4000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी दी गई है। इसके रियर में दो कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ 48 मेगापिक्सल और दूसरा 5 मेगापिक्सल का है। वहीं फ्रंट में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जबकि भारत में पेश किए गए नोट 7 में 12 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फ़ी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई वीडियो से रिलेटिव सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।